रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहु। अनवारे शरीयत की ये हमारा पार्ट नंबर 57 है। उस शर का ये बयान है, किन चीज़ों की पैदावार में उस वाजिब है। जवाब, गेहूँ, जौ, जवार, बाजरा, धान और हर किस्म के गल्ले और उल्सी किस्म, अखरोट, बादाम और हर किस्म के मेवे यानी फल, रुई, फूल, गन्ना, खरबूज, तरबूज, खीरा, ककड़ी, बैंगन और हर किस्म की तरकारी यानी सब्ज़ी, सब में उश्र वाजिब है, थोड़ा पैदा हो या ज़्यादा। हमारे शरीयत। सवाल, किन सूरतों में दसवां हिस्सा और किन सूरतों में बीसवां हिस्सा वाजिब होता है। जवाब, जो पैदावार बारिश या ज़मीन की नमी से हो उसमें दसवां हिस्सा वाजिब होता है, और जो पैदावार चर से, डोल, पंपिंग मशीन या ट्यूबवेल वगैरह के पानी से हो या ख़रीदे हुए पानी से हो उसमें बीसवां हिस्सा वाजिब होता है। दुर्रे मुख्तार। सवाल, क्या खेती के अखराजात हल बैल और काम करने वालों की मजदूरी निकाल कर दसवां बीसवां वाजिब होता है। जवाब, नहीं, बल्कि पूरी पैदावार का दसवां बीसवां ही वाजिब है। सवाल, गवर्नमेंट को जो माल गुजारी दी जाती है वो उश्र की रकम से मजरा की जाएगी या नहीं। वो रकम उश्र से मजरा नहीं की जाएगी। फतवा रजविया बहार शरीयत। ज़मीन अगर बटाई पर दी तो उश्र किस पर वाजिब है। जवाब, ज़मीन अगर बटाई पर दी तो उश्र दोनों पर वाजिब है। रद्दुल मुहतार। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहु।